तिहाई 50 है तो वो संख्या क्या है? अब इसमें संख्या जो है संख्या के 3/4 का 2/3, मतलब संख्या, तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, माना संख्या बराबर x, तो 3/4 मतलब 3/4x, और इसका 3/4 का 2/3, 3/4 का 2/3। अब इसका ये हो जाएगा 3/4, इसका 2/3 कट गया, बराबर 2x/4 बराबर x/2 आ गया, ठीक है। अब 3/4 का 2/3 50 है। अब प्रश्न आंसर, ये जो 2/3 है ये कितना है? 50 है, तो x=50 × 2, तो x कितना हो गया? 100 आ गया। अब 100 का 3/4 निकाल लो, 100 × 3/4 हो गया 25, यहाँ 75, और 75 का 2/3 निकाल लो, 2/3 तो 25 × 50, ये आ गया, ये हमारा आंसर सही है, और ये आपकी संख्या हो गई, ठीक। इसी संख्या का 7/7, प्यारे बच्चों इसमें हमेशा संख्या को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो माना संख्या बराबर x, माना इधर से उल्टा पड़ता है, संख्या बराबर x तो दोगुना कितना हो जाएगा, 2x, और 7/8 भाग, तो 7/8x हो गया, और इनका अंतर 81 है, तो प्रश्न अनुसार 7/8 x माइनस 2x बराबर 81, ये आ गया। इन दोनों का अंतर, संख्या का 7/8 और दुगने का अंतर, ये उल्टा हो गया, सॉरी, इसको ऐसे दुगने का अंतर, मतलब 2x माइनस 7/8। अब इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम लगा लो, तो 8 × 2 = 16x माइनस 7x/8 बराबर 81, तो ये बन जाएगा 16 × 7 = 9x/8 बराबर 81, तो x = 81 × 8/9, 9×9 = 81 बराबर x कितना हो गया, 72 हो गया, तो ये संख्या 72। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। चलिए, संख्या का 4/7 बढ़ाया जाता है, यहाँ भी बढ़ाना है, तो माना संख्या बराबर x, तो 4/7 संख्या बराबर 4/7x, और संख्या को इतने से बढ़ाया जाता है तो 32 बढ़ जाती है। प्रश्नानुसार जो संख्या है उसमें 4/7 बढ़ा दिया, मतलब जोड़ दिया, तो जो संख्या है वो 32 बढ़ जाती है, ये हो गया सवाल। संख्या जो भी है उसका 4/7 बढ़ा दिया जाता है, तो 4/7 मतलब उस संख्या का 4/7 बढ़ा दिया, उसी में जोड़ दिया, तो जो पुरानी संख्या थी उसमें 32 ज्यादा हो जाता है। अब इसमें हम, इससे क्या हुआ, कट जाएगा, ये कट गया, एक्स बराबर 32 × 7/4, 4×8 = 32, 8×7 = 56 आ गया, और ये आंसर आ गया। अब चेक करना है तो क्या करो, यह है 56 × 4/7, 7×8 = 56 कितना हो गया, 32, तो 56 में 32 जोड़ दो, 88 हो गया, और 56 में 32 जोड़ दो, ये 56 है x, 32 जोड़ा तो 88, और ये 88 बराबर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। किसी संख्या के 2/3 से जोड़ने पर, सवाल वही है, तो माना संख्या बराबर x, 2/3 संख्या बराबर 2/3x, ठीक है। अब उसमें क्या है, योगफल 50 होता है, प्रश्न अनुसार x जमा 2/3x बराबर
150 है, एलसीएम ले लो, 3x 2x बटा 3 बराबर 150, तो 5x बटा 3 बराबर 150, x बराबर 150 गुणे 3 बटे 5 30, x बराबर 90 आ गया। ओके, और ये आपका आंसर आ गया। तो प्यारे भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें।